पहले हम सिनेरियो देख लें क्या है, उससे जरा इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि कौन क्या कह रहा है और किसका कहा हुआ सच्चाई के कितना करीब है। जरा इसको देखिए, बेकाबू कोरोना रफ्तार आपको देखने को मिल रही है। इसके पहले आपको याद है कब आपने इस तरीके की कभी विभीषिका सुनी और देखी थी? उस समय किसको किसके पास कितनी ऑक्सीजन सप्लाई है, यह जब मैं आपको बता रहा हूं, यह दिखा रहा हूं, तो यह भी बता दूं कि इस दौरान राजस्थान की तरफ से आरोप लगा कि हम एक्टिव केसेस के मामले में छठे नंबर पर हैं, लेकिन अब आपने हमको ऑक्सीजन प्रायोरिटी के मामले में देने के मामले में 17वें नंबर पर पटक रखा है। क्या वाकई सियासत हो रही है या सियासत को मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसकी गुंजाइश है? जरा देखिए, महाराष्ट्र 991 मीट्रिक टन, गुजरात 488 मीट्रिक टन, झारखंड 434, उड़ीसा 340 मीट्रिक टन, केरल 298 मीट्रिक टन। नेक्स्ट इसमें आप देखिए, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, इसमें आप देखेंगे 275, 264, 249 और 120 मीट्रिक टन। राजस्थान की शिकायत यह थी कि आपने हमको बहुत नीचे डाल रखा है, हमको और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब कहा जा रहा है कि उनकी वो जो मांग थी उस पर सुनवाई हुई है और पहले से ज्यादा ऑक्सीजन हम उनको दी जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र ने क्या क्या पहल की है जरा वो भी देख लीजिए। सभी शहरों और राज्यों में ऑक्सीजन गाड़ियों की बिना रोक टोक मूवमेंट सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि गाड़ियां चल तो रही हैं लेकिन रास्ते में फंस रही हैं, कई राज्यों में उनको रोक लिया जा रहा है। अथॉरिटी ऑक्सीजन ले जा रही गाड़ी को खास इलाके को ऑक्सीजन देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। गाड़ी को बीच रास्ते में, वो डेस्टिनेशन जहां ले जाकर उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना है, उससे बीच में रोककर उसको कहीं और ऑक्सीजन देने के लिए नहीं कहा जाएगा। सभी 9 उद्योगों के अलावा सभी उद्योगों को औद्योगिक ऑक्सीजन की सप्लाई अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। 9 अहम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर की जाएगी और बाकी जो दूसरे उद्योग जहां ऑक्सीजन चाहिए होती है वहां पर अभी रोका जाएगा और इसको मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ सप्लाई किया जाएगा। शिकायतों पर सुनवाई के लिए डीडीएमए का कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा, यह भी इंश्योर करने के लिए कहा गया है। और अस्पतालों की अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी शिकायत है तो उसको आधे घंटे के भीतर भीतर दूर किया जाएगा, यह भी केंद्र ने अपनी तरफ से की जा रही पहलों के तहत अनाउंस किया है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत क्यों है? ऑक्सीजन की किल्लत अगर आपको समझना है कि इस समय क्यों है तो आपको यह देखना पड़ेगा, लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है। लिक्विड ऑक्सीजन को ले जाने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए होते हैं, नहीं है। एक साथ सभी राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड से सप्लाई में परेशानी, सब जगह पर जब ये केसेस सर्ज पर दिखाई दे रहे हैं तो अचानक अजीब स्थिति बन गई है। प्लांट से अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में वक्त लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्लांट से ऑक्सीजन तक, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन में वक्त जाया हो रहा है वो कम से कम हो, प्लांट्स आसपास हो। और इसीलिए दिल्ली सरकार से, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि अगर एक दिन के भीतर भीतर पंजाब में एक ऑक्सीजन का प्लांट और हॉस्पिटल के पास लगना इंश्योर किया जा सकता है तो दिल्ली में यह क्यों नहीं हो सकता? देश में ऑक्सीजन की किल्लत क्यों? लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है। एक साथ सभी राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड, प्लांट से अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में वक्त लग रहा है। इस सबके बीच यह भी कहा जा रहा है कि पिछले साल अप्रैल महीने में ही एक एम्पावर्ड ग्रुप 6 जिसको कहा जा रहा है, उसमें अधिकारियों ने चेता दिया था कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और इस संदर्भ में तुरंत कुछ किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बारे में जब पूछा था तो जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था कि हाँ, वाकई इसको लेकर ऑगमेंट किए जाने की जरूरत है। फिर क्या वक्त रहते ऑक्सीजन को लेकर कदम नहीं उठाए गए? पहले मैं चलता हूं इस सबके बीच शेरवाल साहब के पास। शेरवाल साहब, जरा ये समझाइए मुझे, अस्पतालों की निगाहों से जो काम किए जा रहे हैं वो कितने तसल्ली देने वाले हैं? क्योंकि उस समय हम लाचारी जब देखते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की, जब ऑक्सीजन नहीं होती वहां, वो उस समय वाकई वो बहुत बड़ी बेचारगी होती है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की जरूरत है और ऑक्सीजन सप्लाई जो पेशेंट्स के डिमांड के हिसाब से अगर किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन के सांस फूलना बिल्कुल लाजमी है। और उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है हॉस्पिटल के साथ रहना, मैंने खुद जो है पिछले 3 दिन में इसको महसूस किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ खैर एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने टाइम टू टाइम इसकी आपूर्ति की है। और मुझे लग रहा है कि अब ये जो हमारी सभी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की डिमांड निर्धारित की है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके कारण हॉस्पिटल के अंदर अब सुनिश्चित ये करना है कि वो समय समय पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिलती रहे या डी टाइप के सिलेंडर की भरपाई होती रहे। वो सर मेन प्रॉब्लम आप देख क्या देख रहे हैं, ये पूरी सप्लाई चेन में मेन प्रॉब्लम आप कहां देख रहे हैं?
मेन प्रॉब्लम टाइमिंग मेंटेन नहीं होता अगर हम, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस ऐसा नहीं है कि आप इसको ज्यादा कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। और अगर आपके पास पेशेंट की टाइमिंग मेंटेन करना, जब जिसको एक सांस चाहिए वो सांस इंतजार नहीं कर सकती, टाइमिंग मेंटेन करना ये इंपॉर्टेंट बात कहा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा तादाद में स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उसकी सप्लाई लगातार चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।